स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केबल टेलीविजन एंड सैटेलाइट टेलीविजन। टेलीविजन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों की हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और नॉलेज हासिल करते हैं, और इसके ज़रिए से हम ऑडियो भी सुनते हैं यानी कि आवाज़ भी सुनते हैं, और तस्वीर भी देख सकते हैं यानी कि वीडियो भी हमें इसकी स्क्रीन पे नज़र आती है। तो टेलीविज़न के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन नज़र आती है वो दो तरीकों से हासिल की जाती है, एक तो केबल के ज़रिए से और एक सैटेलाइट के ज़रिए से। तो यूँ हम दोनों मेथड्स को समझेंगे कि केबल टेलीविज़न किस तरह से काम करता है यानी कि उसकी तरफ इंफॉर्मेशन किस तरह से पहुंचती है, और सैटेलाइट टेलीविज़न की तरफ इंफॉर्मेशन किस तरह से पहुंचती है। तो सबसे पहले हम केबल टेलीविजन को डिस्कस करते हैं। केबल टेलीविजन के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन है वो केबल्स के ज़रिए से पहुंचाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि जहां से केबल चैनल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं यानी कि केबल ऑपरेटेड सिस्टम की तरफ से, वहां से केबल आती है और वहां की तरफ से इन्फॉर्मेशन इन केबल्स के थ्रू हमारे घरों में मौजूद टेलीविजन्स तक पहुंचाई जाती है। ये केबल्स आम केबल्स नहीं होती हैं बल्कि ये फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं जिनके अंदर से इन्फॉर्मेशन लाइट वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है, और इनकी मदद से काफ़ी फास्ट ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच पाती है। तो केबल टेलीविजन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने का जो पूरा सिस्टम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो पूरा सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन टेलीविज़न तक पहुँचाई जाती है। तो जो केबल्स टेलीविज़न तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के काम आती हैं उन्हीं केबल्स के ज़रिए से हम इंटरनेट कनेक्शन भी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यानी कि वो सेंटर्स जिनकी मदद से इन्फॉर्मेशन आगे टेलीविज़न्स और कंप्यूटर्स तक इंटरनेट की सहूलत प्रोवाइड की जाती है वो है कहलाते हैं हेड एंड, जिन्हें CATV और CMTS कहा जाता है, जिनमें से जो CATV है ये टेलीविजन की इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करने के काम आता है और ये कम्युनिटी एक्सेस टेलीविजन सेंटर होता है, जबकि जो CMTS है ये इंटरनेट की फैसिलिटी को आगे प्रोवाइड करता है जो कि एब्रिविएशन होती है केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम की। अब इन दोनों सेंटर्स को पीछे से इंटरनेट की या फिर टेलीविज़न चैनल्स की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जिसको ये आगे हमारे घरों तक सेंड करते हैं। अब इनको इन्फॉर्मेशन इस तरह से आती है कि जो CMTS है यानी कि जहाँ से इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन आगे जाती है उसकी तरफ जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो ISP की तरफ से आती है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, और इस तरह से CATV की तरफ जो इन्फॉर्मेशन आती है वो या तो सैटेलाइट टीवी चैनल्स की जानिब से आती है या फिर टेरिस्ट्रियल टीवी चैनल्स की जानिब से आती है यानी कि जो हम बड़े बड़े खंबे देखते हैं उनकी जानिब से ये इन्फॉर्मेशन इस CATV को मिलती है चैनल्स की। अब इसके आगे जो CATV और CMTS की इन्फॉर्मेशन है वो केबल्स के थ्रू आगे इस तरह पहुंचती है कि यहाँ पे आप इस एंड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आके इन दोनों की केबल्स मिलती हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रंक फाइबर है इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आता है जहाँ पे ये फाइबर मुख्तलिफ फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ आगे घरों को प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फीडर केबल है ये असल में केबल है जो कि मुख्तलिफ घरों को आगे प्रोवाइड की जाती है। अब जब ये फीडर केबल एक घर की तरफ गई, फॉर एग्जांपल जिस इस घर को बड़ा करके दिखाया गया है, इस घर की तरफ जब ये केबल गई तो इसके आगे यहाँ पे कोएक्स स्प्लिटर लगा हुआ है। इस कोएक्स स्प्लिटर का काम ये होता है कि ये आने वाली ड्रॉप केबल को डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ केबल्स में से, जिनमें से एक केबल होती है इंटरनेट कनेक्शन की और बाकी केबल्स होती हैं टेलीविजन के लिए, ताकि जो इंटरनेट कनेक्शन है टेलीविजन कनेक्शन से अलग रहे। तो यूं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है हमारे टेलीविजन्स तक इस पूरे सिस्टम के जरिए से केबल्स के थ्रू। तो ये तो हमने देखा कि केबल टेलीविजन किस तरह से काम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेटेलाइट टेलीविजन को। सैटेलाइट टेलीविज़न के लिए केबल्स की ज़रूरत नहीं होती बल्कि सैटेलाइट टेलीविज़न्स के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें रेडियो वेव्स की सूरत में मिलती है जो कि सैटेलाइट की जानिब से प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जियो
सिंक्रोनस क्रोनस ऑर्बिट में ये होते हैं। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब ये है कि जो ये ऑर्बिट्स होते हैं ये जमीन के ऊपर एक ही जगह पे रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे जमीन मूव करती है उसी तरह से ऑर्बिट भी साथ साथ मूव करते हैं, तो जिस पोजीशन पे ये सेट होते हैं जमीन के ऊपर उसी पोजीशन पे ये रहते हैं। इनमें से हर सैटेलाइट तकरीबन 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ लॉन्च किया जाता है स्पेस के अंदर, और वो तकरीबन अर्थ की सरफेस से 22,200 माइल्स के फासले पे मौजूद होता है। अब अगर ये इंफॉर्मेशन ठीक तरह से पहुंचानी हो अर्थ के हर जानिब, तो इन सैटेलाइट्स का जो मिनिमम नंबर इस अर्थ के गिर्द होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास अगर अर्थ है जैसे मैंने ई से डिनोट किया है, तो इसके गिर्द जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं वो मिनिमम यानी कि कम से कम 3 होने चाहिए, और उनके दरम्यान में जो एंगल होता है वो हमारे पास 120 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि कम से कम अगर 3 सैटेलाइट्स होंगे तो उनकी मदद से पूरी अर्थ तक ये सिग्नल्स इजीली पहुंचाए जा सकते हैं। सैटेलाइट टेलीविजन्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए जो पूरा सिस्टम होता है वो 5 कंपोनेंट्स पे बेस्ड होता है, जिनमें से सबसे पहला कंपोनेंट कहलाता है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सोर्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसे कहा जाता है ब्रॉडकास्ट सेंटर ब्रॉडकास्ट सेंटर। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट आता है वो कहलाता है सैटेलाइट, और फिर फोर्थ पार्ट कहलाता है सैटेलाइट डिश, ठीक है सैटेलाइट डिश, और फिर फिफ्थ पार्ट कहलाता है रिसीवर रिसीवर। अब यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग सोर्स है इसका काम सिंपल ये होता है कि ये चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये ब्रॉडकास्ट को प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट सेंटर होता है उसका काम नहीं होता प्रोग्राम्स बनाना, बल्कि वो प्रोग्रामिंग सोर्स की जानिब से प्रोग्राम्स और चैनल्स लेता है जिसको वो आगे फर्दर सेंड करता है। अब जब प्रोग्रामिंग सोर्स की जानिब से ब्रॉडकास्ट सेंटर को प्रोग्राम्स मिलते हैं चैनल्स मिलते हैं, तो ये ब्रॉडकास्ट सेंटर फिर सैटेलाइट को यही इंफॉर्मेशन सेंड करता है सिग्नल्स की मदद से। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट सेंटर है जिसकी जानिब से सैटेलाइट को सिग्नल सेंड किए गए हैं प्रोग्राम्स के। फिर इस सैटेलाइट की मदद से एक घर की जानिब जब सिग्नल्स आ रहे हैं तो घर के ऊपर लगे हुए इस एंटीना की मदद से, जिसको सैटेलाइट डिश भी कहा जाता है, इस सैटेलाइट डिश की मदद से वो सिग्नल्स रिसीव होते हैं और फिर ये आगे जाके इंटरप्रेट होते हैं एक रिसीवर के अंदर, जो कि इन सिग्नल्स को रिसीव करता है, और फिर उन सिग्नल्स की मदद से हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं टेलीविजन के ऊपर। तो यूं इन 5 कंपोनेंट्स की मदद से हम वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं जो कि हम टेलीविजन पे देखते हैं। तो आई होप सो इसके आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने सैटेलाइट टेलीविजन और केबल टेलीविजन को डिस्कस किया है।